लॉकडाउन से कोरोना की लड़ाई में आप घर पर ही रहें, ये बेहद जरूरी है। लेकिन वो कोरोना वॉरियर्स जो घर से बाहर निकलकर कोरोना को मात दे रहे हैं, उनका सही से सैनिटाइजेशन जरूरी है। अहमदाबाद में किडनी हॉस्पिटल के बाहर कोरोना वॉरियर्स के लिए एक ऐसी टनल बनाई गई है जिससे गुजर कर आप पूरी तरह से डिसइंफेक्ट हो सकते हैं। निर्णय कपूर की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए अहमदाबाद के किडनी हॉस्पिटल ने एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका ढूंढ निकाला है लोगों को सैनिटाइज करने का, लोगों को इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं किडनी हॉस्पिटल के अंदर मेन एंट्री गेट पर ही ये एक टनल बनाई गई है, सैनिटाइजिंग टनल इसको कहा जाता है। और इसमें ये आप देख सकते हैं लगातार जो सैनिटाइजर है वो उसका फॉगिंग चल रहा होता है। जैसे ही आप अंदर आते हैं आपको इसके नीचे आके खड़े होना है और ये आपके ऊपर फॉगिंग होती रहेगी। कंडीशन ये है कि आपको 30 सेकंड तक इसके नीचे खड़े रहना है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, आपको यहाँ इसके नीचे खड़े रह के 1 से 30 तक काउंट करना है। और 30 सेकंड जब आप यहाँ पे खड़े रहते हैं आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक तरह से डिसइन्फेक्ट हो जाती है, पूरी तरह सैनिटाइज हो जाती है। या आपने जो सामान भी हाथ में पकड़ा हुआ है उस पर भी ये मिस्ट जो है वो लगातार फ्लो हो रही है। और एक तरह से जब आप अंदर जाएंगे आप पूरी तरह सैनिटाइज हो चुके होंगे, आपके कपड़े, हाथ, मुंह या जो भी बॉडी पार्ट्स हैं या जो भी आपने पहन रखा है, जो आपके हाथ में सामान है, ये माइक जैसे अभी मैंने पकड़ रखा है ये भी पूरी तरह इस वक्त डिसइन्फेक्ट हो गया है। 30 सेकंड से ज़्यादा इन्फेक्ट मैं खड़ा रह गया हूँ, 30 सेकंड आपको खड़े रहना है और 30 सेकंड के बाद आपको इस टनल में से बाहर निकल के आना। और बाहर जब आप निकल के आते हैं तो आप काफ़ी लंबे समय तक एक तरह से पूरी तरह डिसइन्फेक्टेड रहेंगे। और ये काफ़ी इफेक्टिव मैकेनिज्म है। किस तरह ये काम करता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, हम जानने की कोशिश करते हैं। किडनी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत मिश्रा हमारे साथ हैं। ये बताइए सर, ये आपने आज से जो शुरू किया है कितना इफेक्टिव है ये एक्सपेरिमेंट? ये है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये एकमात्र फैसिलिटी है जिसमें आप मास स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन, मास सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडिसिटी के डिफरेंट हॉस्पिटल्स, जो कोविड हॉस्पिटल 1200 बेड की बनी है उसमें मल्टीपल प्लेसेस पे रखने वाले हैं। और वडोदरा के अंदर और बाकी जगहों पे जहां आइसोलेशन वार्ड है, वी विल ट्राई एंड रिप्लिकेट दिस। तो ये आप क्या मानते हैं कितना इफेक्टिव रहता है, इसका रेसिडुअल इफेक्ट कितना रहता है? अगर जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति जो है कि 30 सेकंड अंदर खड़ा हुआ है, अभी 30 सेकंड जब ये बाहर निकलेगा तो कितना ये एक तरह से इन्फेक्शन ना फैलाने में कारगर साबित होगा? ये तो जो है एक बार इसके नीचे सैनिटाइज होने के बाद ये मिनिमम अबाउट 4 आवर्स तक रहेगा। एंड दी सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी अगर इन्फेक्टेड है और इसके नीचे खड़े होकर सैनिटाइज होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बाहर जाके हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनको इन्फेक्ट करने में वो नहीं कर पाएगा, उसकी क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ, उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो ये मास सैनिटाइजेशन का एक ही, मेरे हिसाब से एक ही सॉल्यूशन है एंड इट इज अ वेरी इफेक्टिव एंड चीप सॉल्यूशन। ये मुझे बताइए कि जैसे आपने अपने हॉस्पिटल के गेट पे इसको लगाया हुआ है, ऐसे ही क्या इसको और कितनी जगहों पे यूज कर सकते हैं? क्योंकि आप देखिए, आप हमेशा तो लॉकडाउन नहीं रख सकते। हाँ, ये हम लोग इसको मॉल्स पे रख सकते हैं, रोड पे लगा सकते हैं, स्कूलों में लगा सकते हैं, जहाँ पे भी ट्रैफिक ज्यादा है, जहाँ पे लोगों आने जाने का ट्रैफिक है, वहाँ पे ये सैनिटाइजेशन टनल या सैनिटाइजिंग टनल ये लगा सकते हैं और इन्फेक्शन स्प्रेडिंग का काफी मात्रा में इसको कम कर सकते हैं। जो मिस्ट इसमें फॉग किया जा रहा है, ये कौन सा मटेरियल है? ये बेसिकली सैनिटाइजिंग मटेरियल है और नॉन इरिटेंट है, इमोलियंट है एंड इट इज एन अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन विच इज गेटिंग फॉग्ड एंड इसके ऊपर मिस्ट हो रहा है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकता है जैसा डॉक्टर विनीत मिश्रा भी बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग आ रहे हैं उनको करना सिर्फ ये है कि 30 सेकंड इसके नीचे खड़े रहना है और 30 सेकंड के बाद उनकी जो कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं या उनके हाथ वगैरह जो भी हैं वो सब एक तरह से डिसइन्फेक्ट हो जाते हैं। काफ़ी इनोवेटिव तरीका है। कई कंट्रीज जो हैं उन्होंने इनफेक्ट इसे बाद में बचने के लिए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की है। एक सफल प्रयोग यहाँ अहमदाबाद के किडनी हॉस्पिटल में शुरू किया गया है।
और इसके क्या इफेक्ट आते हैं, किस तरह के इसके रिजल्ट आते हैं, उसको देखते हुए इसे पूरा जो ये मेडिसिटी कंपाउंड है अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल का, वहाँ पे भी अलग अलग हॉस्पिटल के बाहर इसे उनके गेट पे लगाया जा सकता है, और आगे जाके अगर हम एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढें तो शायद दूसरे जो ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं या स्कूल्स हैं, उसके गेट्स पे भी इसको लगाया जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी है उसको आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।